नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में आज बसंतोत्सव के अंतिम दिन मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि मऊ से विधायक सुश्री उषा ठाकुर थी। उन्होंने ज्योति मंदिर के समीप मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। वही भोजशाला में वे अपने प्रण की वजह से डेली पूजा करने नहीं पहुंची। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक भोजशाला में माँ वाग देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी तब तक वह भोजशाला में नहीं जाएगी। वही भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल के बीच मातृशक्ति डेली पूजा करने के लिए माँ सरस्वती का तेल चित्र लेकर ठीक 4 बजे पहुंची। महिलाओं के द्वारा तेल चित्र को भोजशाला में स्थापित करने के लिए अंदर जाने के लिए बहुत देर तक सिटी मजिस्ट्रेट दिव्या पटेल व महिला पुलिस अधिकारियों से महिलाएं जद्दोजहद करती रहीं। भोजशाला के अंदर तेल चित्र को ले जाने के लिए बहस होती रही, लेकिन अधिकारियों ने किसी की भी नहीं सुनी और तेल चित्र को बाहर परिसर में ही रखवा कर पूजा अर्चना करवाई गई। वही महिलाओं के द्वारा दरवाजे पर हल्दी कुमकुम के छापे बनाए गए, डेली पूजा की गई। आरती के पश्चात मातृशक्ति नारे लगाती हुई बाहर गई। मातृशक्ति के द्वारा डेली पूजन के लिए सुरक्षा व शांति की दृष्टि से भारी पुलिस बल लगाया गया था। वही धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट भोजशाला परिसर की छत से दिन भर में इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए रखे थे। देखे खबर एसकेपी लाइव। अरे आपका मोबाइल आ रहा सर। मातृशक्ति ने पूजन किया, देवी पूजा की, क्या कहेंगे और आज कार्यक्रम का समापन किया। आज पुरातत्व विभाग का नियम का हवाला देकर सरासर हिंदू समाज का अपमान हुआ है। इस पर मैं कमलनाथ सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने धर्म का ईमानदारी से पालन किया। जिस धर्म के नाम पर कांग्रेस सरकार जानी जाती है, उस धर्म के ताचट के तुष्टिकरण के तहत हिंदू समाज का अपमान किया है। साथ ही मैं शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि 15 साल तक उन्हें हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस भोजशाला के नाम पर 2003 में सरकार बनी थी, उस सरकार ने जो हिंदू समाज का 2006 में 13 में जिस प्रकार का अपमान किया, हम समझ रहे कि अपने भाई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ हिंदू समाज दोनों ही सरकारों से ठगा हुआ महसूस करता है। देवी पूजन, माँ वाग देवी हम सबके दिल दिमाग में विराजी हैं और ये देश संविधान से चलता है। संविधान के मुताबिक जो बातें तय हो गई उनका परिपालन करना मुझे लगता है संपूर्ण भारतीय समाज का दायित्व है और उसी के निर्वहन के चलते ये सब दुविधाएं हुई हैं और लोगों को कष्ट भी हुआ।
सर आज माता शक्ति सम्मेलन था, आज शुक्रवार था, इसमें 1 से 3 नमाज का रहता है भोजशाला के अंदर, और उसके बाद मातृशक्ति सम्मेलन इन्होंने किया था बाहर, क्योंकि ऐसे का परमिशन इसमें नहीं था, और दोनों बहुत पीसफुली हो गए संपन्न। सर सब कुछ शांतिपूर्ण? बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है दोनों, थोड़ा बहुत विरोध उन्होंने किया था, लेकिन विरोध करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है और कानून का पालन कराना हमारा कर्तव्य है, तो बहुत पीसफुली हो गया दोनों। सर आज मातृशक्ति सम्मेलन भी था, गौशाला में नमाज भी थी, किस प्रकार से दोनों का आगे संपन्न करवाया? देखिए करीब 1000 का एक्स्ट्रा फोर्स आज की व्यवस्था के लिए लगा था, जिसमें आज दोपहर की नमाज और शाम को जो मातृशक्ति सम्मेलन जो दहलीज पूजने का प्रोग्राम था उसे कराया गया, और दोनों जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्वक हो गए और सभी लोग अपने घर शांतिपूर्वक निकल गए। देखिए हमेशा से धार में बसंत पंचमी है, उसका अगले दिन हमेशा संवेदनशील रहते हैं, परंतु हमारे ऑफिसर्स ने, पूरी टीम ने अच्छी तैयारी की थी और रेवेन्यू और पुलिस ने मिलकर ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छे से करवा दिया। अभी शहर में शांति है, अभी बल पूरी रात लगा रहेगा और सभी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग में।